अगर आप मुझसे ये कहेंगे ना कि मेरे पास सिर्फ 1 घंटा है, मैं जॉर्जिया सिर्फ 1 घंटे के लिए आया हूँ, मैं किस जगह पे जाऊँ, तो मैं आपको कहूँगा कि ना आओ भाई, 1 घंटा करना क्या तुमने, एयरपोर्ट पे बैठे रहो। नहीं, मजाक के अलावा मैं कहूँगा कि काजबेगी या इस वाटरफॉल जो आज हम देखने जा रहे हैं वहाँ पर जाओ, इट्स एन एक्सपीरियंस। तो हम वाटरफॉल के आप लोग थोड़ा सा देख सकते हैं, उधर हो जाए आप सर, दोबारा बनाए हम इसको। अभी हम एक जगह पर खाना खाने के लिए रुके हैं, अगर मैं आपको दिखा सकूं, ये चर्च, ये तकरीबन 2400 मीटर की बुलंदी पर है, और ये जो माउंटेन है जिसके ऊपर आपको बर्फ़ नज़र आ रही है, ये तकरीबन 5040 मीटर की बुलंदी पर है। देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा झटके लग रहे हैं क्योंकि रोड बहुत ख़राब है, बहुत ये देखें तो ये बहुत ही खतरनाक है। जी तो अगर आप थोड़ा सा ऊपर देखें, नवीन थोड़ा सा ऊपर दिखाएं, तो हम लोग हाइकिंग करते हुए ऊपर जा रहे हैं एक वाटरफॉल देखने। मुझे पता नहीं क्यों वो डिस्कवरी चैनल पे एक प्रोग्राम आता है मैन वर्सेस वाइल्ड, उसकी फीलिंग आ रही है। ये देखें कि यहाँ पर भी गवर्नमेंट की तरफ से लगाए गए हैं बोर्ड वगैरह, साइन बोर्ड। ये जो हाइकिंग करते हुए ऊपर को जा रहे हैं, अल्फाज में बयान करना इम्पॉसिबल है कैसे मंजर है यहाँ पर। देखने में कोई हज़ारों लाखों साल पुराने पहाड़ हैं ये। सिर्फ एक चीज़ मैं दिखाना चाहता हूँ, आप गुम ना हो जाए, उन्होंने ये निशान लगाए हुए हैं, शायद ये एक वाहिद चेंज है इंसान की तरफ से किया गया, बाकी सब कुछ नेचुरल है। हमारे पास तकरीबन 1.5 घंटा है जिसके अंदर अंदर हमें वापस आना है। बिल्कुल छोटा सा पैसेज है, उसके फौरन बाद इधर खाई। यहाँ पे 2 वाटरफॉल्स हैं, शायद पहले भी जिक्र किया, एक बड़ी और एक छोटी। तो कुछ लोग ऊपर हैं, वो मेरा ख्याल वापस आ रहे हैं, शायद मुश्किल होती जा रही है यहाँ पे। और ये बातों बातों में ऊपर आ गया, लेकिन मेरे साथ वाले ऊपर नहीं आए अभी तक। सही, जो एक एडवेंचर का मज़ा आया ना, वो यहाँ पर आया। यहाँ पर एडवेंचर भी थी, थकान भी थी, हाइकिंग भी थी, सरप्राइज़ भी था। ये पॉजिटिव सरप्राइज़ था जब हम गए और हमने सोर्स देखी जहाँ से फाउंटेन आ रहा, वाह। अभी जहाँ से ये पानी आ रहा है वहाँ जा रहे हैं, इट्स बीन अ वेरी लॉन्ग जर्नी। ये अभी तक इसके सिरे का पता नहीं चल रहा कि कहाँ से ये शुरू हो रहा है। मुदसर तो थक गए हैं और पानी के दरमियान में जाके बैठ गए हैं। मुदसर बी केयरफुल। हम इस बिग वाटरफॉल पे पहुंच गए, तो जब आप काजबेगी आएंगे तो आपको इशारे मिलेंगे, बिग वाटरफॉल और स्मॉल वाटरफॉल, आप जो देखना चाहें। तो जी, तो जोन सी बिग वाटरफॉल की तरफ हम जा रहे थे, वहां तक पहुंच चुके हैं, बल्कि उससे भी ज़्यादा आगे आ गए। नॉर्मली यहां तक आते नहीं है लोग जहां तक हम आ गए, और यहां पे कोई भी नहीं था, लेकिन थोड़ा नीचे से हमारे साथ एक ग्रुप मिला, और वो ग्रुप कम होते होते सिर्फ एक ही बंदा बचा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किल है ऊपर तक आना। तो ये है वो बंदा, रशिया से मैं मिली है ये। हाय, तो हाउ वाज इट वेलकमिंग दिस मच हाई। आखिरकार हम उस बिग वाटरफॉल की रूट पे पहुंच गए हैं। आई डोंट थिंक सो, ज़्यादातर लोग इधर आते होंगे। इट्स अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस हियर, मिशन अकॉम्प्लिश्ड, द क्वेस्ट टू द बिग वाटरफॉल इन जॉर्जिया इज कम्प्लीटेड। और कांग्रेचुलेशन, थैंक यू सो मच। मैं आपको इधर दिखाना चाहता हूँ,
कि कहाँ से हम आए हैं। अगर आप उस पर ब्राइट एरिया पे टैप करेंगे तो आप ज़रा उनको दिखा पाएंगे कि किस कदर दूर से हम आए हैं। Take me to a good place. You touch me right, I close my eyes and we just fly away. I know you're bad, but I just can't let go. Our wings go back every time you come around. But I know soon as you leave, then I'll hit the ground. I know you're bad, but I just can't let you go. Bad, but I just can't. Can't let go. I know you're good. जी जनाब, तो हम लोग नीचे उतर आए हैं और नीचे का रास्ता इतना खतरनाक था, मेरा ख्याल है ऊपर जाने से भी ज्यादा खतरनाक नीचे का रास्ता था, कि उतरने के उतरते वक्त हमसे वीडियो बनाई नहीं गई, मगर हम ऑलमोस्ट लाइक 15 मिनट वापस आ चुके हैं। असल में बेसिकली हम लोग इतनी सर्दी के लिए प्रिपेयर नहीं थे, तो हम लोग तो हुड्स पहन के आए थे, तो जो हमारा गाइड है उसने हमें ज़बरदस्ती जैकेट्स पहना दी, उसने कहा ये उसके पास होती है जैकेट गेस्ट के लिए। तो और यहाँ पे हमें और भी टूरिस्ट मिले हैं, उनका भी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है अब तक का, और ओवरऑल हमारा टूर बहुत ही अच्छा जा रहा है। स्टिल वी हैव वन मोर डे टू एक्सप्लोर मोर एंड दिस प्लेस इज फैंटास्टिक, फैंटास्टिक प्लेस। कुछ बोंगियाँ भी मारी हमने, फेल अटेम्प्ट्स की इंटरव्यू लेने की। जी तो खुश आमदीद, मैं हूँ मोहम्मद दबील मुगल। और मेरा नाम है मुदस्सर, एंड शी इज I am Natalia and I don't understand this guys. I'm sorry. Okay, guys, this is normally Urdu show, but today's interview, this small interview is going to be in English because our friend, she don't know how to speak Urdu and she doesn't understand, but she can speak very good English.